असलम वेलकम टू अनदर वीडियो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को करनी है आफ्टर कमिंग टू द यू के सो पहली चीज़ जो कि सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपने कलेक्ट करना होता है अपना बी आर पी कार्ड बी आर पी कार्ड कहाँ से कलेक्ट होता है कैसे कलेक्ट होता है कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं नहीं समझ लगती किसी को सो so, आपने जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप एक एड्रेस देते हैं कि आप कहाँ से अपना बी आर पी कार्ड रिसीव करेंगे तो आपको यूके होम ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आई हुई होती है जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि कलेक्ट यूर बी आर पी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट फ्रॉम दिस एड्रेस तो आपने अपनी जी में जाना है जिस जी को आपने यूज़ किया था वीज़ा अप्लाई करते वक्त सो so, उस जी मेल में आपको एक ई आई होगी रिसीव करने की बी आपने वो एड्रेस देखना है मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है या फिर यूनिवर्सिटी के करीब या फिर जो आप जो भी आपने एड्रेस दिया होता है Uh, किसी पोस्ट ऑफिस का या जिस सिटी आप जा रहे होते हैं उसके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है तो आपने वो एड्रेस चेक करना है पहली फुर्सत में जाना है और आपने बीआरपी रिसीव करना है अब बीआरपी रिसीव करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने अपना एन नंबर अप्लाई करना है एन नंबर कैसे अप्लाई होगा आपने गूगल पर जाना है आपने सर्च करना है अप्लाइंग एन नंबर ऑनलाइन uh, या फिर यू के ऑन एन आई नंबर अप्लाई तो यू के गवर्नमेंट की एक वेबसाइट आ जाएगी एन आई नंबर अप्लाई करने के लिए वहाँ आपने जाना है और वहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा उसको आपने क्लिक करना है जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे आपने देनी है बी आर पी पकड़ पकड़ के आपने एक पिक्चर बनानी है और पासपोर्ट को ओपन करके पकड़ के आपने एक पिक्चर बनानी है वो पिक्चर्स आपसे मांगी जाएंगी वो आपने वहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है तो इस तरह से आपका एन आई नंबर जो है वो अप्लाई हो जाएगा जो कि मोस्टली दो वीक्स में आ जाता है सम टाइम तीन वीक्स भी लग जाते हैं लेकिन दो वीक्स के अंदर आ जाता है जो आप एड्रेस देंगे जो वहाँ पर आपको वो पोस्ट कर दिया जाएगा सो दो चीज़ें होगी तीसरी चीज़ आती है हमारे पास जीपी को रजिस्टर करवाना आप जहाँ पर भी रह रहे हैं जो भी एड्रेस है आपका चाहे आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ली हुई है या अपने तो प्राइवेट ली हुई है जो भी ली हुई है आपने गूगल पे सर्च करना है जी पी नियर मी तो आपने जो भी आपके नज़दीक जितने भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स वगैरह ये जो भी आएंगे आपने वहाँ जाना है आपने उनको कहना है कि आई एम न्यू हेयर इन यू के एन आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई जी पी एंड वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करना है उसके ऊपर एक पिक्चर लगेगी वो अपने अपना एड्रेस भी लिखना है सब कुछ लिखना है और वो आपने उन्हीं को वापस सबमिट करवा देना है वो भी आपका जीपी रजिस्टर्ड हो जाएगा जो कि आपको उसका लेटर भी दो वीक्स तीन वीक्स में मोस्टली आ जाता है सो तो दो तीन वीक्स में ये लेटर भी आ जाएगा तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई पहला एन बी कार्ड रिसीव करना था दूसरा एन नंबर अप्लाई करना था और तीसरा था जी रजिस्टर्ड करवाना अब चौथी चीज जो है वो है बैंक अकाउंट कि आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है किसी भी बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है आपने एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन डाउनलोड करनी है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं आप जो है लॉयड्स बैंक लॉइड्स बैंक आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके ऊपर ऑनलाइन ये आप तब कर सकते हैं जब आपका एनआई नंबर आएगा सो वंस यू विल गॉट योर एनआई नंबर तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फॉरन से बन जाएगा और एक वीक के अंदर ही आपको उसका कार्ड और सारी चीज़ें आ जाती हैं सारी डिटेल्स आ जाती हैं सो so आपने लॉयड्स बैंक की अप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपने वहाँ जाना है अपनी सारी डिटेल्स देनी है जैसे ही आपका एन आई नंबर आए तो वो आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा इसके अलावा आप अगर मज़द कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में तो होते हैं जैसे इजी पैसा पेसा जहाज कैश ये भी एक बैंक ही है प्रोफेशनल बैंक है अच्छा बैंक है जैसे यहां पर डिफरेंट होते हैं जैसे रिवॉल्ट है मोनज़ो है कोई भी आप ओपन कर सकते हैं मैंने मोन्ो का ओपन किया हुआ है मोनज़ो इज अ गुड अकाउंट तो आप लोग भी मोज़ो कर सकते हैं तो एक या दो अकाउंट आप बनवा लें तो आपको फायदा होगा लॉयर्स बनवा लें मोनज़ो बनवा लें अब जो सिम है सिम की भी डिफरेंट चीजें होती हैं अब जो जैसे आप आएंगे तो आपने पहली चीज तो है वो सिम लेनी है एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं बाहर से भी ले सकते हैं किसी भी नेटवर्क की ले सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग टू द बैगर सो आई वुड सजेस्ट यू डेट बाय ई नेटवर्क ई ई के यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आते हैं और वोडाफोन uh, के भी अच्छे आते हैं ई ई के भी अच्छे आते हैं सो इंटरनेट वगैरह भी अच्छा है अगर तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है फिर तो कोई इशू नहीं होगा तो सिम ले लें आप जैसे ही आएंगे एयरपोर्ट से और उसके अंदर कोई मंथली पैकेज भी करवा लें तो आई थिंक टेन टू फिफ्टीन पाउंड में जो है आपका मंथली पैकेज हो जाएगा जिसके अंदर डेटा थोड़ा होगा इनिशियली करवा लें उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं मतलब उसी सिम का कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि आप का उ, आप उस कंपनी के साथ लिंक्ड हो जाते हैं डायरेक्ट डेबिट आपका कार्ड अटैच हो जाता है लेकिन ये चीज़ें बाद की हैं जब आपका कार्ड आ जाएगा या फिर वन एवर यू वॉन्ट कि आपने को, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा मंथली जो है आपसे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से चार्ज हो जाया करेंगी आपको डेटा और सारी चीजें मिल जाया करेंगी सो so ये चार से पाँच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब करने के बाद यू कैन गो डायरेक्टली टू द मार्केट और यू कैन अप्लाई ऑनलाइन सो इस तरह जाके आप ऑनलाइन जो है जॉब्स अप्लाई करें एंड गो टू द मार्केट सर्च करें सो दिस इज़ हाउ यू कैन यू कैन डू एवरी थिंग आफ्टर कमिंग टू द यू के सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी थोड़ा सा डिले हो गया काफ़ी क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी चल रही हैं सो so, इसलिए है, थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है मजीद आपके क्या क्या कंसर्नस हैं डो लेट मी नो आई विल मेक अ वीडियो Uh, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हुई हैं लेकिन अब आई वॉन्ट योर सजेशन एक्चुअली के uh, कुछ ट्रैवल व्लॉग भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बट अभी नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा सो टिल द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग